देखिए, कांग्रेस उम्मीदवार केएल शर्मा का दावा। फर्स्ट इंडिया से विशेष बातचीत में बोले केएल शर्मा, अमेठी ने गांधी परिवार पर विश्वास किया है, मेरे जैसे सिपाही पर भरोसा जताया, अमेठी की जनता कांग्रेस के पक्ष में जनादेश देगी। क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। बरसों बरस बीत चुके हैं अमेठी और रायबरेली के क्षेत्र को, और केएल शर्मा, किशोरलाल शर्मा यहाँ का चिर परिचित नाम है, जाना पहचाना चेहरा है। गांधी परिवार ने उन पर भरोसा जताया है और यही सरलता और यही सहजता और यही अंदाज उनकी इस क्षेत्र में पहचान रही है। किशोरलाल जी, बहुत बड़ा चुनाव है, पूरे देश की निगाहें इस चुनाव पर टिकी। बस चुनाव तो जब जनता लड़ती है तो छोटा हो जाता है, तो जनता लड़ रही है चुनाव यहाँ पर। गांधी परिवार का ये दिलों में अपनी क्षमा जलाए हुए है, तो जनता ही लड़ रही है चुनाव। एक वो दौर भी था जब आपको टिकट मिला था लेकिन उम्र कम थी और उस चक्कर में आप चुनाव नहीं लड़ पाए। वो 1985 था जब आपके पिताजी को टिकट मिला था, तब मेरे को ही मिला था। ठीक है, आपके पिताजी मंत्री बन गए थे तो हम लोग उनके चुनाव में गए थे, तो लेकिन मैं मतलब फिर मेरी उम्र 3.5 महीने कम थी। वो 1985 का दौर था। एक दौर फिर वापस लौट रहा है जिस तरह की एक आवाम में एक अलग तरह की फीलिंग सामने आ रही। नहीं देखो, देश जो है ना, देश जो है सांप्रदायिक शक्तियों से ज़्यादा भर रहा है। तो देखो, ये देश सेकुलर है, यहाँ आप अपने धर्म का पालन करो, सारे धर्मों को इज्जत रखो, ये है देश का जो गंगा जमुनी तहजीब है हमारी, ये है। ठीक है, ये टूट रही है आज, और ये टूटना है मतलब देश का टूटना हो जाता है। मैंने मतदाताओं से बात की थी सुबह, कुछ जगह गया मैं, डेवलपमेंट एक बड़ा मुद्दा है, लोग चाहते थे कि बीजेपी का राज है, डेवलपमेंट हो इस क्षेत्र का, लेकिन वो कमी महसूस कर रहे हैं। नहीं देखिए, राजीव जी ने जब शुरू किया था तो 89 तक हमारी गवर्नमेंट थी, राजीव जी 81 में यहाँ सांसद हो गए थे, 83 में हम लोग आ गए थे यहाँ, तो तब से लेके 89 तक तो हमारी गवर्नमेंट थी, तो डेवलपमेंट हमारा खूब हुआ। उसके बाद फिर यहाँ से 89 के बाद से कांग्रेस की सरकार नहीं रही, लेकिन तब भी हमने सेंट्रल की गवर्नमेंट के प्रयासों से यहाँ बहुत काम कराए, राजीव जी ने कराए, उसके बाद फिर कैप्टन सतीश शर्मा ने कराए, उसके बाद सोनिया जी ने आई, फिर राहुल जी ने कराए। तो ये सारे काम है जो यहाँ की जनता को दिखते हैं, तो ये नहीं है कोई आदमी आके यहाँ कहता है 48 साल में गांधी परिवार ने 45 साल में कुछ नहीं किया, तो वो समझो यहाँ की जनता को झूठ बोल रहा है। तो यहाँ की जनता तो जानती है ना भाई गांधी परिवार ने क्या किया। अब इसी पे चले जाओ सुल्तानपुर रायबरेली रोड के ऊपर, इसी के ऊपर आपको 7-8 इंस्टीट्यूट बड़े बड़े नज़र आ जाएंगे। अब ये चीज़, अब इन्हीं को मैं कहूँ कि गांधी परिवार ने कुछ नहीं किया, ये तो मेरे को दौड़ा देंगे कि भाई आपको नहीं पता गांधी परिवार ने ये किया। तो ये है कि गांधी परिवार यहाँ ने बहुत कुछ किया, उन्होंने क्षेत्र को दिया ही है, बस ये कि इन्होंने मतदान दिया, उन्होंने अपने सर माथे पे रखा इस चीज़ को और मतदाता की इज्जत करी, तो यही सम्मान वो इनको देते हैं, यही सम्मान ये उनको देते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। किशोरलाल जी शर्मा, हमने सुना ही है किस तरह से बात की, और कहा जा सकता है कि पूरी देश की राजनीति का असर जो है वो अपने आप में पता लगेगा कि किस तरह की बिसात यहाँ से जाती, क्या संदेश देश की राजनीति में अमेठी की जनता इस बार देती है। मेरे सहयोगी विनोद गोस्वामी के साथ योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया, अमेठी।